हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ वेक्टर एडुकेटर्स. दिस इज नीलम. सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोनाउन. तो बात की जाए प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन अगर एज पर द डेफिनेशन, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन. सपोज राम है, ये किसी एक पर्सन का नाम है, तो राम ना कहते हुए हम क्या कह सकते हैं, ही. राम एक क्या है, यहाँ पर नाउन है. अगर मैंने कहा नेहा, तो नेहा ना कहते हुए हम क्या कह सकते हैं, शी. अगर बहुत सारे पर्सन है प्लूरल फॉर्म में, तो उनका नाम ना लेते हुए हम क्या कह सकते हैं, दे. अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है, तो उसका नाम ना लेते हुए मैं क्या कह सकती हूँ, इट. तो ऐसा ऐसा वर्ड जो नाउन की प्लेस पर यूज किया जाता है, उसे हम कहते हैं प्रोनाउन. या तो नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है, वो होता है प्रोनाउन. सपोज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा राम स्टडीज इन माई क्लास, राम इज वेरी इंटेलिजेंट, राम गोज टू स्कूल एवरी डे. तो बार बार राम ना कहने की जरूरत पड़े, नाउन की रिपीटेशन ना हो, इसीलिए हम यूज करते हैं प्रोनाउन का. तो अब देखते हैं नाउन के टाइप्स. तो ये 6 बेसिक टाइप्स है प्रोनाउन के. एक एक करके हम डीप में देखते हैं कि क्या होते हैं ये, एंड इनसे रिलेटेड रूल्स क्या बनेंगे. सो फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन. सो एज यू कैन सी, पर्सनल प्रोनाउन में 3 केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, एंड द थर्ड वन इज पजेसिव केस. सब्जेक्टिव केस में यहां देख पा रहे हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब्जेक्टिव केस के पर्सनल प्रोनाउन है गाइस. इसमें ये जो आई एंड वी होता है, ये कहलाता है फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन. यू जो होता है, ये सेकेंड पर्सन होता है का पर्सनल प्रोनाउन है. एंड ही, शी, इट, दे, इसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउंस. अब देखिए, जब अगर मैं, सपोज मैं आपसे डिस्कशन कर रही हूं, तो मेरे लिए मैं जो हूं ये फर्स्ट पर्सन हूं, तो मैं खुद के लिए आई यूज करूंगी. जिनसे मैं डिस्कशन कर रही हूं, मतलब कि आप, तो आप मेरे लिए क्या हो जाएंगे, सेकेंड पर्सन. जिससे हम कन्वर्सेशन कर रहे होते, बात कर रहे होते, वो हमारे लिए सेकेंड पर्सन. तो आप लोग मेरे लिए क्या हो यहाँ पर, यू. एंड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो होता है थर्ड पर्सन. तो वो ही भी हो सकता है, वो शी, या वो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग या कुछ और हो सकता है. तो वो कहलाता है थर्ड पर्सन. ओके, तो जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जिससे बात कर रहा है, जिससे कन्वर्सेशन किया जा रहा है, वो सेकंड पर्सन, एंड जिसके बारे में बात की जा रही है, वो कहलाता है थर्ड पर्सन. ओके, देन बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की. ऑब्जेक्टिव केस में मी, अस, यू, हिम, हर, ये सारे प्रोनाउन है. एंड पॉजिटिव केस में देख पा रहे हो माइन, आर्स, योर्स, ये सारे होते. अब अगर हम बात करें फर्स्ट सब्जेक्टिव केस की, तो सब्जेक्टिव केस का यूज कब किया जाएगा, जब हम किसी पर्सन को या किसी चीज को सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं. सब्जेक्ट मतलब होता क्या है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या तो जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो सब्जेक्ट है. तो जब किसी पर्सन को या किसी चीज को सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है, तब हम उसके लिए सब्जेक्टिव केस के पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं. देन सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस मतलब क्या होता है, कि जब कोई पर्सन या कोई चीज ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी. अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट मतलब डूअर ऑफ द एक्शन होता है ना, जो एक्शन कर रहा है, या सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो होता है. ऑब्जेक्ट क्या है, जो रिसीव करता है एक्शन को. तो यहां हम कहेंगे रिसीवर ऑफ द एक्शन, जो एक्शन को रिसीव करता है, या जिस पर एक्शन होती है, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट. ओके, देन थर्ड वन इज द पजेसिव केस. पजेसिव केस, एज द हेडिंग सजेस्ट, पजेसिव मतलब पजेशन, मतलब कि ओनरशिप बताएगा ये. ओनरशिप मतलब क्या होता है, अधिकार बताएगा. जैसे मैंने कहा हिज कार, तो यहां पर बता रहा है हिज कार. कार एक नाउन है, और हिज ये क्या हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन यहां पर. ओके, सो पजेसिव केस का यूज हम कब करते हैं, जब हमें पजेशन या ओनरशिप बताना होता है. अब जैसे अगर बात करूं, तो ये जो पजेसिव केस होता है ना, पजेसिव केस के ये जो है, ये प्रोनाउन है जो यहां पर आपको ब्लू में दिख रहे हैं. लेकिन पजेसिव केस के कुछ एडजेक्टिव्स भी होते हैं, जो मैंने यहां पर नहीं बनाए, जैसे माय, आर, योर, हिज का हिजी होता है, हर, देयर, एंड यहां पर हो जाता है इट्स. ओके, तो ये होते हैं पजेसिव केस के एडजेक्टिव. अब जैसे यहां पर देख पा रहे हैं कि मैंने कहा है हिज कार, तो कार यहां पर नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव. तो ये पजेसिव केस का एडजेक्टिव है. ओके, ये प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव हो जाएगा.
तो यहां देख पा रहे हैं कि पॉजेसिव केस में प्रोनाउन भी होते हैं, पॉजेसिव केस के एडजेक्टिव्स भी होते हैं। एडजेक्टिव तो जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में तब क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहां पर भी ड्रॉ कर दिया है कि ये जो सारे ये पॉजेसिव केस के प्रोनाउन है, एंड प्रोनाउन ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की प्लेस पर यूज किया जाता है, लेकिन एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के पहले। तो जैसे यहां पर देखेंगे हिज कार, तो कार नाउन है, तो हिज यहां पर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन के पहले यूज किया है ना। फिर यहां पर सब्जेक्टिव केस क्लियर हो गया, ऑब्जेक्टिव केस भी क्लियर हो गया। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा ही गेव मी अ वेरी बैड रेटिंग, ही गेव मी अ वेरी बैड रेटिंग। तो यहां पर ये जो ही होगा ये सब्जेक्ट है, गेव मतलब देना की वर्ब है, एंड ये ही जो है ये जो गिव करने की एक्शन कर रहा है, ये एक्शन हो किस पर रही है, मी पर, और जिस पर एक्शन होती है वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ही सब्जेक्ट है इसलिए सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, मी ऑब्जेक्ट है इसलिए ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हमने यहाँ पर यूज किया है। ओके अगर मैं पजेसिव केस का एग्जाम्पल दू यहां पर, तो जैसे मैंने कहा दिस बुक इज माइन, ये मेरी बुक है, तो यहां पर ये माइन क्या हो जाएगा, पॉजेसिव केस का प्रोनाउन। अगर मैंने कहा दिस शर्ट इज योर्स, तो ये क्या हो जाएगा यहां पर, प्रोनाउन। लेकिन अगर मैंने कहा माय बुक, तो यहां पर ये नाउन है, और अभी मैंने ड्रॉ किया था एडजेक्टिव्स, तो यहां पर ये क्या है, एडजेक्टिव है पॉजेसिव केस का। ओके अगर मैंने कहा योर शर्ट, तो यहां पर अगेन शर्ट इज नाउन, और ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, मतलब ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। आई होप क्लियर है। बट यहां पर देखिए कोई नाउन नहीं है इसके बाद, ये सारे क्या होते हैं, प्रोनाउन। एंड प्रोनाउन कभी भी आप किसी नाउन के पहले यूज नहीं कर सकते, ये रूल हम देखने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट हमारी स्लाइड में। आई होप क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं हम। फर्स्ट रूल कहता है कंपेरिजन शुड बी मेड बिटवीन द सेम केसेस ऑफ प्रोनाउन, कि जब भी आप दो प्रोनाउन में कंपेरिजन करो, दोनों के केस कैसे होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए। सपोज एग्जाम्पल शी इज मोर इंटेलिजेंट, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन मी। ओके अब ये केसेस मतलब अभी हमने देखे सब्जेक्टिव केस देखा, ऑब्जेक्टिव केस देखा, एंड थर्ड वन पजेसिव केस देखा। तो यहां पर ये रूल कहता है कि जब भी कंपेयर करो सेम केसेस में करना है। यहां पर कंपैरिजन शी का हो रहा है, किससे हो रहा है, मी से। अब शी देखेंगे तो शी कौन से केस का है, देखिए प्रीवियस स्लाइड में जाते हैं, यहां पर देखिए शी कौन से केस का है, शी सब्जेक्टिव केस का है। कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, मी से, तो मी तो क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन ये रूल कहता है कि जब भी कंपैरिजन करो तो सेम केस होना चाहिए, तो शी का कंपैरिजन आप इस मी से नहीं कर सकते, शी का कंपैरिजन आपको किससे, इसी सब्जेक्टिव केस के किसी प्रोनाउन से करना होगा। तो मी का यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, आई, तो शी को कंपेयर कर सकते हो आप आई से, क्योंकि मी का जो सब्जेक्टिव केस है वो क्या होता है यहाँ पर गाइस, आई। So, यहां पर शी इज मोर इंटेलिजेंट मी नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है एंड ये ऑब्जेक्टिव केस है। सो ये जो सेंटेंस है बिल्कुल गलत है, तो सही कैसे बनाएंगे, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन आई। अब क्या हुआ, ये भी सब्जेक्टिव एंड ये भी सब्जेक्टिव केस। ओके सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, शी वॉज मोर क्यूरियस देन हिम, she was more curious than him। तो अगेन she subjective case का personal pronoun है, and him जो है यहाँ पर ये अगेन objective case है, तो ये फिर से गलत हो गया sentence, क्योंकि ये subjective case है, तो him का subjective क्या हो जाएगा। Okay, next rule देखते हैं। रूल नंबर टू क्या कहता है, पर्सनल प्रोनाउन शुड बी यूज अकॉर्डिंग टू इट्स एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मतलब क्या होता है, जिसके लिए पर्सनल प्रोनाउन यूज किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल वन शुड डू हिज ड्यूटी सिंसियरली,
वन शुड डू हिज ड्यूटी सिंसियरली। अब ये रूल कहता है कि पर्सनल प्रोनाउन शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स एंटीसिडेंट। एंटीसिडेंट मतलब जिसके लिए, सेम नंबर, पर्सन एंड जेंडर सभी सेम होने चाहिए। इसमें देखिए एग्जाम्पल में, वन शुड डू हिज ड्यूटी सिंसियरली, तो यहाँ पर ये प्रोनाउन है। अब ये हिज किसके लिए यूज किया गया है इस सेंटेंस में, हिज मतलब किसको, इस वन को ही, इस वन को कहा जा रहा है। अब क्या आपको पता है कि ये वन कितने पर्सन है, वन तो वन ही एक ही होगा, लेकिन क्या आपको इससे जेंडर पता चल रहा है, इसका पर्सन पता चल रहा है, जेंडर पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। तो हम यहाँ पर हिज का यूज नहीं कर सकते, वन शुड डू, वन से ड्यूटी आ जाएगा। सपोज यहाँ पर ही होता तो तब क्या होता, ही शुड डू हिज ड्यूटी सिंसियरली। अगर शी होता तो क्या होता, शी शुड डू हर ड्यूटी सिंसियरली, इस तरीके से। दे होता तो क्या होता, देयर ड्यूटी, इसलिए वन है तो वन्स ड्यूटी। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर सेकेंड एग्जाम्पल की अगर बात करें, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर लगेज। अब यहां पर देखिए ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी नाउन के पहले ये ईच आ जाए, या तो ईच आ जाए किसी भी नाउन के पहले, या नाइदर आ जाए, या एनीवन आ जाए, या एवरीवन आ जाए, मतलब कोई भी इनडेफिनाइट प्रोनाउन आ जाए, या मैनी अ आ जाए, ओके, मोर देन वन आ जाए, तब हमेशा यहां पर हमें पजेसिव केस यूज करना है, हमेशा, सॉरी, तब हमें हमेशा यहां पर पजेसिव केस का यूज करना है, एंड हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब ये थर्ड पर्सन मतलब क्या होता है, हिज, हर, इस तरीके से, और हमेशा कैसा होना चाहिए, वो सिंगुलर। तो यहाँ देखिए ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर, ये सिंगुलर तो नहीं है, थर्ड पर्सन भी नहीं है, थर्ड पर्सन तो हो सकता है लेकिन सिंगुलर नहीं है, देयर तो थर्ड पर्सन होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग हिज लगेज, है ना। अब ये हिज, देयर, ये सारे पजेसिव केस है, पजेसिव मतलब पजेशन ही बता रहे ना, उनका लगेज, इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, आफ्टर लेट लाइक बिटवीन एक्सेप्ट प्रीपोजिशन, हमेशा ये जितने भी वर्ड्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं इनके बाद हमेशा आपको ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, बिटवीन यू एंड आई, सुहानी इज इंटेलिजेंट। बिटवीन यू एंड आई, सुहानी इज इंटेलिजेंट। तो यहां पर हमने देखा कि बिटवीन आया है, एंड बिटवीन और इज, जितने भी वर्ड्स है सभी के बाद कौन सा ऑब्जेक्टिव केस यूज होना चाहिए, ओके, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहां पर देखेंगे यू तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों है, एक ही होता है, यू ही आता है उसमें, तो सही है, लेकिन आई तो सब्जेक्टिव केस है, तो ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिटवीन यू एंड मी। सेकेंड एग्जाम्पल अगर देखेंगे, लेट देम गो नाउ, तो यहां पर देखेंगे लेट आया है, एंड लेट के बाद ये क्या आया है यहां पर, देम, तो ये जो देम है ये अगेन ऑब्जेक्टिव केस ही है, मतलब कि ये जो सेंटेंस है बिल्कुल सही है, अगर यहाँ दे होता तो गलत होता, लेकिन देम है तो ये जो है ये बिल्कुल सही है। अगर और एक एग्जाम्पल लो, क्योंकि यहां पर देखिए लेट वर्ड भी आएगा, लेट वर्ड के बाद भी हमेशा क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस ही, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एवरी वन इज गोइंग टू पिकनिक
everyone is going to picnic except he. तो यहां पर देखिए except आया है और हमने कहा कि अगर ये except भी आएगा उसके बाद भी objective case, तो ये तो subjective case हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गलत sentence and he की place पर क्या आना चाहिए. I hope सारे points clear है. Next rule देखते हैं. नेक्स्ट रूल कहता है पजेसिव प्रोनाउन प्लस नो नाउन, मतलब जब भी कोई पजेसिव प्रोनाउन आएगा उसके बाद कभी भी कोई नाउन नहीं आ सकता. फॉर एग्जाम्पल दिस इज माइन बुक, एंड आपको पता है कि ये माइन, योर्स, हर्स, देयर्स, है ना, ये सारे क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन है ये सारे. तो ये रूल कहता है कि इनके बाद कोई नाउन नहीं आएगा, और माइन तो क्या है, पजेसिव प्रोनाउन, और ये क्या हो गया, नाउन. तो नाउन के पहले कभी भी प्रोनाउन नहीं आता है, नाउन के पहले कभी भी आएगा तो वो क्या होना चाहिए गाइस, वो होना चाहिए एडजेक्टिव. तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है. अब इस सेंटेंस को आप सही तरीके से ऐसे लिख सकते हो, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि इस माइन के बाद यहाँ पर कोई नाउन नहीं आ रहा. और एक एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज योर्स शर्ट, सुनने में तो सही लगता है लेकिन बिल्कुल गलत है क्योंकि शर्ट अगेन एक नाउन है, तो ये यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए, और ये तो प्रोनाउन, और कभी भी किसी नाउन के पहले प्रोनाउन का यूज नहीं होता, तो ये सेंटेंस गलत है. इसका सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, दिस शर्ट इज योर्स. या तो और एक दूसरा तरीका होता है उसका, दिस इज योर शर्ट लिख सकते हो आप. यहाँ पर ये योर्स प्रोनाउन है लेकिन ये योर एडजेक्टिव होता है, मैंने आपको फर्स्ट लाइन में ही बताया था एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों. तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को लिख सकते हो. यहाँ पर भी इस सेंटेंस को आप लिख सकते हो, दिस इज माय बुक. माय बुक लिखोगे तो कोई गलती नहीं होगी बिकॉज दिस इज पजेसिव एडजेक्टिव. ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं. ओके, नेक्स्ट टाइप है गाइस, नेक्स्ट टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. तो यहां पर देखेंगे ये ईच, आइदर, नाइदर, बोथ, नन, वन, ऑल, ये सारे कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. अगर बात करें ईच की, तो ईच हम यूज करते हैं टू और मोर देन टू के लिए, मतलब कि दो पर्सन हो तब भी हम ईच का यूज कर सकते हैं, या दो से ज्यादा पर्सन हो तब भी हम ईच का यूज कर सकते हैं. फिर आइदर हम यूज करते हैं सिर्फ दो के लिए, जैसे मैंने कहा आइदर ऑफ अस विल गो, मतलब हम में से कोई एक, है ना, आइदर मतलब क्या होता है, कोई किसी एक की बात की जा रही है. देन नेक्स्ट इज नाइदर, नाइदर भी हम सिर्फ और सिर्फ टू पर्सन के लिए यूज करते हैं लेकिन ये नेगेटिव सेंस में, क्योंकि इसका मतलब होता है ना तो, दोनों में से, जैसे मैंने कहा नाइदर ऑफ अस विल गो देयर, मतलब हम दोनों में से कोई नहीं जाएगा. देन बोथ हम यूज करते हैं सिर्फ दो के लिए, लेकिन हमेशा याद रखना है ये पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं. जैसे मैंने कहा बोथ ऑफ अस विल गो देयर, लेकिन अगर मुझे कहना है, अगर मैंने कहा बोथ ऑफ अस विल नॉट, अगर नॉट, नो, इस तरीके के नेगेटिव वर्ड्स आ गए तब ये बोथ का यूज नहीं किया जाता, हमेशा कैसे पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होगा. फिर ये जो गाइस नन, वन, ऑल और एक ऐड करेंगे यहां पर हम एनी. ओके, तो ये जो नन, वन, एनी, ऑल होता है ना, ये हमेशा दो से ज्यादा लोगों के लिए यूज किया जाता है, हमेशा फॉर मोर देन टू. ओके, आई होप क्लियर है. देखिए गाइस, ये रूल है रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. ये रूल कहता है कि जब भी ईच या आइदर या नाइदर आए तो इनके बाद नाउन जो होगी वो हमेशा सिंगुलर. फॉर एग्जाम्पल ईच स्टूडेंट विल अटेंड द फॉर एग्जाम्पल सेमिनार, ईच स्टूडेंट विल अटेंड द सेमिनार. तो यहाँ ईच आया, ईच के बाद नाउन आया, और नाउन कैसा है, ये सिंगुलर. लेकिन यहां ये रूल क्या कहता है कि ईच, आइदर, नाइदर, तीनों में से कोई एक भी प्रोनाउन आए उसके बाद अगर ये ऑफ आता है
एंड इस ऑफ के बाद ये द आता है तब नाउन यहाँ प्लूरल हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल ईच ऑफ द स्टूडेंट विल अटेंड द सेमिनार. ओके, तो यहां देखेंगे ईच ऑफ द स्टूडेंट विल अटेंड द सेमिनार. तो क्या ये बिल्कुल सही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है ये सेंटेंस. क्योंकि अभी मैंने कहा ईच, ईच के बाद ऑफ आएगा, द आएगा, तब ये जो स्टूडेंट है ये स्टूडेंट नहीं, क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये ऑफ एंड द भी आया है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट जो टाइप है वह रेसिप्रोकल प्रोनाउन. अब ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होता है बस ये दो ही होता है, फर्स्ट इज ईच अदर एंड सेकेंड वन इज वन अनादर. जब दो लोग होते हैं, टू पर्सन, तब हम यूज करते हैं ईच अदर का. एंड टू से ज्यादा होते हैं, जब मोर देन टू पर्सन होते हैं, तब हम यूज करते हैं वन अनादर का. फॉर एग्जाम्पल बोथ द ब्रदर्स लव ईच अदर. बोथ द ब्रदर्स लव ईच अदर. तो यहां पर देखिए सिर्फ बोथ मतलब क्या होता है, दो ब्रदर्स की बात की जा रही है, इसलिए हमने यूज किया ईच अदर. लेकिन जब दो से ज्यादा पर्सन होंगे तब क्या यूज करना है हमें? वन अनादर. तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं. इंडियंस शुड नॉट फाइट विथ वन अनादर. तो यहां पर देखिए इंडियंस दो से ज्यादा है, इसलिए हमने क्या यूज किया है? वन अनादर. आई होप क्लियर है. और यही छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि एग्जाम में जब ये सारी चीजें आ जाती है तो समझ में नहीं आता. एंड मैंने आपको पहले भी बताया है कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, लेकिन हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान नहीं देते, इस वजह से हमसे क्वेश्चंस नहीं बन पाते. नेक्स्ट जो टाइप है यह है रेसिप्रोकल प्रोनाउन. तो गाइज रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में अगर बात करें तो यहां आप देख पा रहे हैं माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, ये सारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं. अब ये आई सिंगुलर है इसलिए सेल्फ, वी प्लूरल होता है इसलिए हम लोग सेल्फ लगाते हैं, यू सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होता है क्योंकि यू मतलब एक पर्सन है तब भी मैं यू ही कहूंगी, एक से ज्यादा है, टू है, थ्री है, तब भी मैं यू ही कहूंगी. देमसेल्फ प्लूरल है इसलिए सेल्फ, सिंगुलर सिंगुलर एंड इट इज ऑल्सो सिंगुलर. तो ये कहलाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कब होता है? जब खुद सब्जेक्ट ही किसी एक्शन को रिसीव कर रहा होता है, जब सब्जेक्ट ही रिसीवर होता है एक्शन का. ओके, सब्जेक्ट ही रिसीवर होता है ऑफ द एक्शन का, तब हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. खुद सब्जेक्ट रिसीव करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बात करूं एग्जाम्पल की, जैसे आई ट्रीटेड myself, I treated myself with a cookie. I treated myself with a cookie. तो यहां पर देखिए I subject है, treat verb है, treated verb है, and ये myself object है. और हमने कहा कि object जो होता है वो receiver होता है action का. and कौन रिसीव कर रहा है? ये myself मतलब ये खुद I की ही बात की जा रही है, मतलब ये I ही खुद यहाँ पर action को receive कर रहा है, है ना? तो इसीलिए हम इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि खुद ही ये सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट बैक रिफ्लेक्ट होता है. सेकेंड अगर एग्जाम्पल की बात करें, शी इमेजिन्ड हरसेल्फ एज द हीरोइन ऑफ द मूवी. शी इमेजिन्ड हरसेल्फ एज द हीरोइन ऑफ द मूवी. तो यहां पर देखिए शी सब्जेक्ट है, इमेजिन वर्ब है, एंड हरसेल्फ यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है. तो अगेन ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये रिफ्लेक्ट बैक इस सब्जेक्ट पे ही हो रहा है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं. ये रूल कहता है यूज ऑल दिस वर्ब्स विथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन.
मतलब ये जितने भी वर्ब्स दिए गए हैं सभी के साथ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। लेकिन कब करना होता है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट आफ्टर ऑल दीज वर्ब्स। मतलब कि इन सभी वर्ब्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा, लेकिन कब होगा? जब ऑब्जेक्ट नहीं प्रेजेंट होता है इन वर्ब के बाद। क्योंकि इन वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है प्रेजेंट तो वो सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन इन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है तब आपको वहां लगाना होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही resigned himself to his failure. He resigned himself to his failure. तो यहां पर ही है, फिर क्या आया? resigned, ये जो है ये verb है। And इसके बाद हमने अभी देखा list में कि resign ऐसा verb है जिसके बाद हमें क्या लगाना है? reflexive pronoun। तो यहां पर हमने देखो ये resign verb तो लगा दिया reflexive pronoun, क्योंकि इसके बाद कोई object present नहीं था, है ना? He resigned verb, और verb के बाद कोई object दिख रहा है? नहीं, तो इसलिए हमने यहां लगा दिया reflexive pronoun। okay, अब next example लेते हैं। They enjoyed the picture last evening. They enjoyed the picture last evening. तो यहां पर देखिए subject है, enjoyed verb है। अब इस verb के बाद क्या आपको object present नजर आ रहा है? हम they enjoyed, है ना? They enjoyed, हमने पूछा what? ऑब्जेक्ट का अगर पता करना होता है तो आप व्हाट या हुम से अगर क्वेश्चन लगा लो और अगर आपको इसका आंसर मिल जाता है या तो व्हाट से या तो हुम से, तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो दे एंजॉयड, हमने पूछा व्हाट, व्हाट ही पूछोगे ना उस, अगर मैंने कहा उन्होंने एंजॉय किया तो आप मुझसे क्या पूछोगे? हुम तो नहीं पूछेगे, किसको नहीं, क्या एंजॉय किया। तो हमने पूछा व्हाट, तो आंसर मिल गया पिक्चर, तो पिक्चर यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है ऑलरेडी, है ना? दे एंजॉयड, क्या एंजॉय किया? पिक्चर एंजॉय किया, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। तो ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर एंजॉय भी ऐसा वर्ड है जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, लेकिन मैंने कहा कि इन सभी के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब आएगा? जब इनके बाद ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है। लेकिन यहां तो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, मतलब कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस, सेम एंजॉय का ही एक सेंटेंस देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा आपको। They enjoyed during summer vacation. Okay guys, and ये जो मैंने आपको बताया what and whom पूछने वाला concept है ना, ये एक trick होती है, इसे भी याद रखना है, इससे हमें object का पता चल जाता है। Okay, या तो what से question पूछ पाना अगर पूछ पा रहे हैं, या तो whom से question पूछ पा रहे हैं, ठीक है? एंड उसके बाद अगर आपको इसका आंसर वहीं पर मिल रहा है वर्ब के बाद, तो वो जो आंसर हमें मिलता है वो आंसर ही ऑब्जेक्ट होता है। ओके, जैसे यहां देखिए दे सब्जेक्ट है, दे ने क्या किया? एंजॉय किया, कुछ करना, मतलब कि एक्शन वर्ड, मतलब कि वर्ब, दे एंजॉय। तो अगेन आपने यहां पर क्या क्वेश्चन पूछा? व्हाट, क्या एंजॉय किया? क्या आपको आंसर मिला दे एंजॉयड व्हाट, क्या एंजॉय किया ड्यूरिंग समर वेकेशन? नहीं, हमने ये तो नहीं पूछा ना कब एंजॉय किया। हम या तो व्हाट पूछ सकते या तो हुम, बस ये दो के अलावा कुछ और क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो व्हाट ही पूछोगे तो व्हाट का तो आंसर नहीं मिला, मतलब ये सेंटेंस गाइस बिल्कुल गलत है। और इस सेंटेंस को सही करने के लिए यहां हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। तो दे एंजॉय, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? दे एंजॉयड themselves during summer vacation. I hope clear है। और कुछ example देखते हैं ताकि सारी चीजें clear हो जाए। कुछ और example देखते हैं।
she introduced me to her parents. And एक और एग्जाम्पल लेते हैं. She introduced to my parents. Okay. अब यहां पर देखते हैं she है और हमने यहां पर बताया कि ये जो introduce है इसके बाद भी reflexive pronoun, लेकिन कब? जब object present नहीं होगा. ये बार बार repeat कर रही हूं. अब हमें check करना है कि ये जो introduce verb है जिसके बाद हमने कहा है कि reflexive pronoun का use किया जाता है, तो पहले हम तो check करेंगे object present है या नहीं, क्योंकि object present है तो sentence सही है और नहीं है तब हम लगाएंगे reflexive pronoun. तो she introduced, यहाँ क्या क्वेश्चन पूछोगे? मैंने इंट्रोड्यूस, है ना, पूरा सेंटेंस पढ़ो. शी इंट्रोड्यूस मी टू हर पेरेंट्स, मतलब किसी को इंट्रोड्यूस करवाने की बात की जा रही है. शी सब्जेक्ट है, ये इंट्रोड्यूस यहाँ पर क्या है? वर्ब है. तो अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है या नहीं. तो उसने इंट्रोड्यूस करवाया तो क्या क्वेश्चन पूछोगे? हुम, है ना, व्हाट से तो नहीं पूछ पाओगे, हुम से. और मैंने कहा या तो व्हाट से पूछना है या तो हुम से, तो यहाँ पर ये हुम फिट हो रहा है. तो उसने इंट्रोड्यूस करवाया, हमने पूछा किसे करवाया, आंसर मिला यस, जस्ट वर्ब के बाद मिल गया मी, मुझे करवाया, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है. तो इंट्रोड्यूस के बाद ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है. अब अगेन चेक करते हैं, यहाँ भी इंट्रोड्यूस्ड है, शी इंट्रोड्यूस्ड. अगेन हमने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुम, किसे करवाया, आंसर मिला टू माई पेरेंट्स, नहीं, उसने इंट्रोड्यूस करवाया. कौन था वो थर्ड पर्सन, मतलब कि यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन था जिससे उसने मेरे पेरेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाया, है ना, मेरे पेरेंट्स को मैंने उस थर्ड पर्सन. तो यहाँ पर उस थर्ड पर्सन के बारे में या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ लग जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो शी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? शी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ टू माई पेरेंट्स. अब ये सेंटेंस सही है, पहले ये सेंटेंस क्या था? बिल्कुल गलत. आई होप सारी चीजें क्लियर है. नेक्स्ट रूल क्या बोलता है? डू नॉट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विद ऑल दिस वर्ब्स. इन सभी वर्ब्स के साथ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का बिल्कुल यूज नहीं करना है, है ना. क्वालिफाय, स्टॉप, कीप, मूव, शेव, टर्न, जितने भी दिए हुए हैं, जैसे यू शुड कीप, अगेन ये कीप वर्ड के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, तो ये बिल्कुल गलत. क्या हो जाएगा सही सेंटेंस? यू शुड कीप अवे फ्रॉम बैड बॉयज. और एक अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं यहाँ पर, सो ही क्वालिफाइड, he qualified himself in the competitive exam. तो यहां पर देखिए he subject है, qualified himself, और अभी हमने बोला qualify के बाद कोई reflexive pronoun का use नहीं होता, मतलब ये sentence गलत है. यहां से himself हट जाएगा, बिल्कुल नहीं लगेगा. sentence क्या बन जाएगा सही? he qualified in the competitive exam. तो ये जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये सारे आपको learn करने पड़ेंगे. इनके बाद reflexive pronoun का use कभी भी नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा. next type देखते हैं. next type है pronoun का indefinite pronoun. indefinite pronoun मतलब ऐसा प्रोनाउन जो डेफिनाइट नहीं होता है. डेफिनाइट मतलब क्या होता है? जिनसे हमें ना तो जेंडर का पता चलता है ना तो नंबर का पता चलता है. जैसे यहाँ पर सपोज एवरीबडी, तो मैंने कहा एवरीबडी प्रेजेंट हियर इज इंटेलिजेंट. तो एवरीबडी से क्या पता चल रहा है मैं कितने गर्ल्स है, कितने मेल है, कितने फीमेल है? क्या एवरीबडी से आपको पता चल रहा है मैं 10 लोगों की बात कर रही हूँ, 20 लोगों की? तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं इनडेफिनाइट प्रोनाउन, जो डेफिनाइट नहीं होते. सो गाइज, ये जितने भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं इनडेफिनाइट प्रोनाउन, ये हमेशा एवरीबडी, नो वन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, जितने भी है, ये हम इंसान के लिए यूज करते हैं, पर्सन के लिए. एंड इसके इनके साथ जो दूसरे प्रोनाउन आएंगे वो हमेशा ये होंगे ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ ही होंगे, क्योंकि हमें इनसे जेंडर, मतलब मेल है, फीमेल है, लड़का है, लड़की, नहीं पता चल रहा है. इसीलिए हमेशा ये ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ, कभी इसके साथ शी या हर इस तरीके से नहीं आएगा. अगर बहुत स्पेसिफिकली वहां दिया गया है कि वो फीमेल ही है तब आप यूज कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है. इसलिए इनके साथ हमेशा ये जो प्रोनाउन आएंगे, ये प्रोनाउन हमेशा कौन से होंगे? मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं. मैस्कुलिन मतलब क्या होता है? जो मेल के लिए, जो बॉयज के लिए, जो मैन के लिए यूज करते हैं. एंड दूसरा हमें हमेशा याद रखना है आपको
कि इनके साथ जो वर्ब आएगी ना गाइस, वो वर्ब हमेशा कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। भले ही एवरीबडी मतलब बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है, लेकिन फिर भी वर्ब सिंगुलर आएगी। जैसे मैंने कहा एवरीबडी आर प्रेजेंट, तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत। एवरीबडी आर नहीं, एवरीबडी इज प्रेजेंट, इस तरीके से। ओके और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एवरीवन शुड डू, एवरीवन शुड डू देयर ड्यूटी, सभी को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, है ना। एवरीवन है, हमें पता है बहुत सारे लोग हैं, हमने इसलिए अपने मन से देयर लगा दिया, बिल्कुल गलत हो गया। अभी मैंने कहा एवरीवन, नो वन, ये जितने भी यहाँ इंडेफिनेट प्रोनाउन है इनके साथ हमेशा ये मैस्कुलिन जेंडर वाला प्रोनाउन आएगा। तो ये देयर तो कॉमन होता है, ये देयर तो हम मेल के लिए भी यूज करते हैं एंड फीमेल के लिए भी यूज करते हैं कॉमनली, तो ये बिल्कुल नहीं आएगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या आ जाएगा सही? एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी। ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, ये भी कुछ इन डेफिनाइट प्रोनाउन है। अब ये इनडेफिनाइट सभी में थिंग थिंग है, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, आप समझ ही गए होंगे। ये तो ऑब्जेक्ट के लिए, चीजों के लिए यूज किया जाएगा एंड इनके साथ जो प्रोनाउन आएंगे वो आएंगे इट, इट्स एंड इट्सेल्फ, क्योंकि ये चीजों के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है प्रोनाउन का, ये है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में भी आप जैसे कि देख पा रहे हैं तीन केसेस है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। ओके, ध्यान से सुनना। सब्जेक्टिव केस का यूज कब करते हैं? जब हम किसी पर्सन को सब्जेक्ट की तरह, जब हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तब हम सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस का यूज कब होगा? जब हम किसी पर्सन को ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट मतलब उस पर्सन पर या उस चीज पर एक्शन परफॉर्म की जा रही है, तब ऑब्जेक्टिव केस। पजेसिव केस कब? जब हमें क्या बताना होता है? ओनरशिप बताना होता है, पजेशन मतलब अधिकार बताना होता है। अब गाइज इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हु, हुम और हुज होता है ना, ये हम यूज करते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, हम ये यूज करते हैं इंसानों के लिए। एंड ये जो विच, विच एंड ऑफ विच होता है, ये हम यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब कि जैसे कि रिवर है या कोई चीज है तब हम यूज करेंगे, हाउस है तब हम यूज करेंगे विच, विच एंड ऑफ विच का, इस तरीके से। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा आई हैव अ फ्रेंड हु इज एन इंजीनियर, आई हैव अ फ्रेंड हु इज एन इंजीनियर। तो यहां पर मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? फ्रेंड के बारे में, कि एक फ्रेंड है इंटेलिजेंट है, इंजीनियर है, ऐसा है वैसा है। तो ये फ्रेंड क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसीलिए सब्जेक्टिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज किया। अगर सेकेंड एग्जाम्पल, I have a friend whom I trust the most. Whom I trust the most. तो यहां पर ये ट्रस्ट कर रही हूं, और मैं ट्रस्ट किस पर कर रही हूँ गाइस? फ्रेंड पर। तो यहाँ ये फ्रेंड क्या है? ऑब्जेक्ट है, जिस पर एक्शन परफॉर्म करते हैं वो ऑब्जेक्ट होता है, इसीलिए मैंने इस फ्रेंड के लिए ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन whom यूज किया। देन अगर बात करूं, I have a friend whose brother is very smart. ठीक है, तो यहां पर देखिए, I have a friend whose brother, whose brother मतलब ब्रदर का हम क्या बता रहे हैं? ब्रदर की पोजेशन बता रहे हैं, मतलब ब्रदर का भाई, मेरा भाई, मेरा घर, ये जो होता है पोजेशन। तो इसीलिए हमने फ्रेंड के लिए क्या यूज किया? इस पोजेसिव केस के रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया। तो आई होप क्लियर है। तो देखिए, यहाँ फ्रेंड सब्जेक्ट था इसलिए सब्जेक्टिव केस,
यहाँ फ्रेंड पर एक्शन की जा रही थी ट्रस्ट करने के लिए, तो फ्रेंड ऑब्जेक्ट था इसलिए ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ फ्रेंड की पोजेशन बतानी थी फ्रेंड का भाई, इसलिए हमने पजेसिव केस। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। एंड जब अगर नॉन लिविंग थिंग की बात करें तो नॉन लिविंग थिंग के लिए हम यूज करते हैं विच विच एंड ऑफ विच। मतलब नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहे तब विच, ऑब्जेक्ट में भी विच, एंड जब पजेशन बात कर रहे तब वहां पर क्या आता है ऑफ विच। सो नेक्स्ट बात करते हैं यूजेस ऑफ दैट की। अब ये जो दैट होता है ये दैट भी एक तरीके का रिलेटिव प्रोनाउन ही होता है गाइस। जैसे अभी हमने देखा हु हुम हुज, ओके, एंड ऑफ विच विच, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो ये जो दैट भी होता है ये दैट भी प्रोनाउन होता है, एंड इसे हम कहते हैं कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन। कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये, ओके। इसके जो यूजेस होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जब मैंने कहा पर्सन की बात होगी, इंसानों की बात होगी, तब हु यूज करेंगे। जब नॉन लिविंग थिंग की बात होगी तब आप क्या दैट, सॉरी विच यूज करोगे। अभी हमने जो देखा प्रीवियस स्लाइड में विच यूज करोगे। लेकिन जब एक पर्सन की भी बात हो रही है एंड एक नॉन लिविंग थिंग की भी बात हो रही है तब आप क्या यूज करोगे, दैट का यूज करोगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल द मैन एंड हिज डॉग हु आई सॉ यस्टरडे, है ना, हैव बिन किडनैप्ड। ओके, द मैन एंड हिज डॉग हु आई सॉ यस्टरडे हैव बिन किडनैप्ड। तो यहां पर देखिए बात किसकी की जा रही है, मैन एक पर्सन है, डॉग क्या है एनिमल है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं मैन की भी और एक एनिमल की भी, है ना। यहाँ नॉन लिविंग थिंग की भी बात होती है या एनिमल की भी बात होती है तब हम विच का यूज करते हैं। लेकिन पर्सन या नॉन लिविंग थिंग हो या तो कोई एनिमल की भी बात हो तब हम दैट का यूज करेंगे। तो यहाँ एक पर्सन है और एक एनिमल है तो इसीलिए हम हु का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हु का यूज तो सिर्फ इंसान के लिए होता है। तो यहाँ मैन और डॉग दोनों हैं, इसलिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन दैट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एवरीवन, एवरीबडी, समबडी, समवन, नोवन, नोबडी, धोस। सभी के साथ हम यूज करते हैं हु का या तो दैट का, मतलब कि इन रिलेटिव प्रोनाउन के साथ अगर आप हु का यूज करें तो भी सही एंड दैट का यूज करें तब भी ये बिल्कुल सही है। ओके, जैसे यहां पर देखिए एवरीवन हु या दैट किसी का भी यूज कर सकते हैं, हैज विजिटेड द ताजमहल, लाइक्स इट। एवरीवन हु या दैट हैज विजिटेड द ताजमहल, लाइक्स इट। तो यहां पर हु यूज करो तो भी चलेगा, दैट मतलब ये दोनों एक साथ नहीं, या तो हु या तो दैट। तो इन सभी प्रोनाउंस के साथ आप हु या दैट किसी का भी यूज करेंगे तो भी चलेगा। देन नेक्स्ट देखिए एवरीथिंग, नथिंग, ओनली, द ओनली, ये सब आपको लर्न करने पड़ेंगे। द, फ्यू, ओनली, एनी, ये जब भी आ जाए तब सिर्फ और सिर्फ दैट का। यहाँ पर आप दैट के अलावा किसी और चीज का, मतलब और किसी प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल माई फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग दैट ही। तो अगर यहां पर कुछ और यूज कर लेते, विच यूज कर लेते तो सेंटेंस गलत हो जाता, क्योंकि यहां पर आया है एवरीथिंग एंड एवरीथिंग के बाद हमेशा क्या आना चाहिए, दैट। नेक्स्ट देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री मतलब क्या होता है एडजेक्टिव की, जैसे कि टॉलेस्ट, बिगेस्ट, हाईएस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट। ओके, जो हाईएस्ट डिग्री होती है एडजेक्टिव की, यहाँ इसकी बात की जा रही है। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा क्या होना चाहिए, दैट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इट इज द बेस्ट बुक, इट इज द बेस्ट, सॉरी, हाँ, बेस्ट बुक which was ever written,
ओके ठीक है, इट इज द बेस्ट बुक विच वॉज एवर रिटन. तो यहाँ देखिए बेस्ट आया है, एंड ये जो बेस्ट होता है ये किसका, गुड का सुपरलेटिव है ना. अब ये सुपरलेटिव नहीं समझ रहा होगा, फिर भी अभी यहाँ पर आपको देख लीजिए, फिर हम इसका पूरा जो चार्ट है, पूरे जो टाइप्स है वो पढ़ने वाला है हमारे नेक्स्ट अपकमिंग कुछ सेशंस में. नेक्स्ट टॉपिक माइट बी एडजेक्टिव हो सकता है. सो इट इज द बेस्ट बुक. तो ये गुड का सुपरलेटिव है ना, गुड बेटर, और सुपरलेटिव फॉर्म क्या होता है, बेस्ट. तो ये सुपरलेटिव फॉर्म है इसका. तो यहां पर हमने सुपरलेटिव एडजेक्टिव आया, तो यहां विच नहीं होगा, क्या हो जाएगा गाइस, दैट. सो आई होप क्लियर है. ओके तो नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं गाइस. इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम हमारे नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करने वाले हैं. जितने भी रूल्स हमने आज पढ़े हैं उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, जो आ सकते हैं, चांसेस है आने के, वो सारे हम हमारे नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं. सो थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग, कीप शेयरिंग माई वीडियोज. थैंक यू वेरी मच ऑल.